हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो जी आप लोग? आई एम परफेक्ट। आप लोग बताओ। स्टूडेंट्स, आपने वो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करी है जो आपको दी थी मैंने व्हाट्सएप पे? ओके, सो नोबडी हैज गिवन मी द नोबडी हैज सेंट मी द आंसर्स ऑफ दैट। Want me to give you the answers of that? Okay, हाँ जी बताइए, क्या मैं उसके आंसर्स शेयर करूं आप लोगों के साथ और शुड वी डिस्कस? डिस्कशन चाहते हैं हम उसकी। दैट्स गुड, लेट्स स्टार्ट अप विद द डिस्कशन। ओके, जो फर्स्ट आपके पास था दैट वाज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यही था। मेनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव, यही था जो फर्स्ट आपको शेयर हुआ था। ओके, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। यहां पे क्या था, लेट्स रीड इट। मेनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट गोज अंडर द बॉनेट। आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट से कोडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन स्किल्स दैट विल बिकम ऑब्सलीट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो। नेवरदलेस गवर्नमेंट बिलीव कोडिंग इज एन असेंशियल स्किल, सो इट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स। अब यहां पे क्या, मेरे को जो अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस लग रहा है, सब में कोडिंग डीकोडिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच एंड अदर। बट अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोई दिख रहा है तो दैट इज द फर्स्ट वन, जिसमें क्या लिखा है, मेनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट गोज ऑन अंडर द बोनेट। सो इसके कारण, मतलब इसका रीजन क्या था? सो इट इज नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स। आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट सेज कोडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन स्किल्स दैट विल बिकम ऑब्सलीट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोज। मतलब कोडिंग जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बनी है वो एक दिन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट विल राइज। सो नेवरदलेस गवर्नमेंट बिलीव कोडिंग इज एन असेंशियल स्किल, बट फिर भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ये क्या है, एक असेंशियल स्किल है। सो दिस वॉज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरी वन? नहीं, ऑप्शन नहीं थी इसमें, बट स्टिल आपके पास सीक्वेंस के लिए इट वॉज अ टिपिकल वन, जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे उस दिन कि मैम हमें जो रीअरेंज आए थे टेस्ट में वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, वो सिंपल नहीं थे। ओके, आप लोग खुद से उसको सीक्वेंस दे रहे हो ए बी सी डी। सो फर्स्ट ए, फर्स्ट का आंसर अगर रहेगा तो वो रहेगा ए डी, देन इट विल बी बी एंड सी। सो द आंसर विल बी ए डी बी एंड सी।
क्लियर। एनी डाउट्स इन द फर्स्ट वन? ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन नाउ। हां जी, टेल मी द आंसर ऑफ द सेकेंड वन। आप लोगों ने सॉल्व तो किया ही होगा। हाँ जी, सेकंड किसने सॉल्व किया है? लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस। DCBA, एक जने ने बताया आंसर। लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। No, the answer is not DBCA. The answer of this is CDA and B. Arrange it accordingly. CDA and B. किसी का है इस तरह से सीक्वेंस? सबने डी लिया है फर्स्ट, है ना? एंड आई एम सेइंग सी इज द आंसर। लेट्स सी कैसे। कन्वर्सली द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज 15 इयर्स एंड ओवर हु वर नेवर मैरिड इंक्रीज फ्रॉम 29% इन द 1986 टू 32% इन 2001। एट द सेम टाइम द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु वर डाइवोर्स्ड इंक्रीज फ्रॉम 5% इन 1986 टू 7% इन 2001। While the proportion of the population who were widowed remained at around 6%, the decline in the marriage rates and the increase in the divorce rate has led to the decrease in the proportion of the population that is formally married. In 1986, 60% of the population aged 15 years and over were married. By 2001, this proportion has decreased to 55%. बट मेरे अकॉर्डिंग तो आराम से इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन सी आएगी। द रीजन इज दैट कि उसमें सी में हमें क्या है, कुछ ना कुछ इनिशिएट किया है टॉपिक, बाकी सब में तो हमें परसेंटेज रेशियो दी है। सो ऑब्वियसली जो ऑड फैक्टर होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही होता है। जैसे लास्ट में हमने क्या देखा, सब में कोडिंग, डी कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी थी। तो दैट वॉज द वन जो कि था, दैट वॉज द वन की जो सब एक ही सीक्वेंस में आ रहे थे, बट एक में क्या था उसको डिफाइन किया था, तो हमने उसको फर्स्ट पे लिया था। ऑब्वियसली ओवर हेयर ऑल्सो द सेम स्ट्रेटेजी अप्लाइज कि यहाँ पे क्या है कि एक सेंटेंस जो है दैट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, उसमें इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है एंड द इंफॉर्मेशन इज द डिक्लाइन इन द मैरिज रेट्स एंड इंक्रीज इन द डाइवोर्स रेट लेड टू द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज फॉर्मली मैरिड। अब वो उसने बोला, फिर उसने बोला है कि इन 1986, मतलब हमेशा पहले पास्ट की बात होती है। इन 1986 60% ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 15 इयर्स एंड ओवर वर मैरिड। बाय 2001 दिस प्रोपोर्शन हैज डिक्रीज टू 55%। उसके बाद क्या था, उसका उल्टा हुआ। कन्वर्सली द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 15 इयर्स एंड अबव who were never married increased from 29 in 1986 to 32 in 2001. Obviously, ye aa gaya and then hamare paas last aaya, at the same time the proportion of the population who were divorced increased from this to this, while the proportion of the population who were widowed remain around 6%. Clear hua hame? Aap logon ko ye question nahi aaya hai? What
What was the second question which you received? Let me check on the WhatsApp. Give me a minute. आया है ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ही ये डाला है मैंने, ग्रुप में ही चेक कर रही हूं एंड ग्रुप में है ये क्वेश्चन, प्लीज सी टू दैट। हां जी, सबने पहले बोला ना नो नो नो, नहीं आया, बट ग्रुप में है ये क्वेश्चन। तीनों ग्रुप में मैंने डाला है, राधर इट इज 1 ईयर, 3 ईयर और सीडीएस, सब में डाला है। कल कल मैंने असाइनमेंट दी थी, आई टोल्ड यू कि मैं असाइनमेंट दे दूंगी बाय 1:30 एंड उसके बाद इन द इवनिंग वी विल डिस्कस, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास यस्टरडे, तो इसीलिए वो असाइनमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। किन के पास नहीं है ये क्वेश्चंस? Everyone is having, just making excuses. Okay, let's shift to the third one now. इसमें क्या था? ये वाला है public attention वाला. Okay, I want to know the answers from your side first. एक सही आंसर देता है ना, सब वही आंसर दे देते हैं। आंसर तो बिल्कुल ठीक है, सी डी ई ए बी। एनीवन वांट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? द सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन इज सी डी ई ए बी। डू यू नीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? Okay, let's go to the explanation as the students are saying yes. Amandeep Kaur has replied yes to this question. Okay, we were having this show, this should draw public attention and people should put more concerns on teenagers. क्या public attention draw करे? This क्या था? Pronoun था, cannot be an independent sentence, so cannot come at the first place. Next is, as a new method, it is advised to have more qualification for the teenagers to get licenses. So, no linkage. According to the research, more car accident occurs in the morning. Particularly, most of those accidents happen between 1 a.m. and 5 a.m. For example, in Port Macquarie. तो अब इसमें क्या है, इसका लिंकेज है, वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग में होते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि सुबह 1 बजे से लेके 5 बजे तक होते हैं। सो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ लिंकेज है, ऑब्वियसली ये सेंटेंस दोनों इकट्ठे ही आएंगे। स्पेशली दिस हैपन्स वेरी ऑफन अमंग द टीनेज ड्राइवर्स। क्या क्या मतलब दिस, क्या मतलब ये मॉर्निंग एक्सीडेंट्स है, ये एक्सीडेंट्स है, ये किन में होते हैं? टीनेजर ड्राइवर्स में। सो ऑब्वियसली इन तीनों का आपस में लिंक बना। देन वी कम टू, this should draw public attention and people should put more concerns on the teenagers. अब क्या मतलब ये this किसके लिए? अब हमें पता चल गया कि जो accidents होते हैं सुबह के लिए, सुबह में, तो उसको link किया, as a new method it is advised to have more qualification for the teenagers to get license. So उन्होंने एक suggestion दे दिया end में कि इसके लिए क्या है कि obviously उनका लाइसेंस जो है उसके लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, माइट बी सम ऑफ द यू कैन से मोर क्लासेस और एनीथिंग लाइक दैट, वो रिकमेंड होनी चाहिए। नाउ इज इट क्लियर?
हमें ये भी समझ आ रही है कि कैसे हम इनको अलाइन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि पहले हमें एक फर्स्ट जो है सेंटेंस मिले, दैट मीन्स एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं होता और सम इंफॉर्मेशन इज देयर। या तो वो ऐसा होता है कि वो बाकी सेंटेंसेस के साथ वो मैच ही नहीं करता होता, सब में कुछ ना कुछ डाटा दिया है बट वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, या उस सेंटेंस में वो सारे कीवर्ड्स ही नहीं होते जो कि बाकी सेंटेंसेस में सब में होते हैं। सो हमें उससे भी पता चल जाता है। थर्ड थिंग होती है कि उसमें कोई प्रोनाउन ना हो, देन ऑल्सो दैट कैन बी एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सेकेंड थिंग कोई टॉपिक हो तो वो भी हो सकता है। सो देर आर 4 to 5 वेज जिससे हम फर्स्ट सेंटेंस जो है वो टाई अप मतलब निकाल सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस निकाल लिया, उसके बाद या तो सेकेंड सेंटेंस क्या होगा उसकी सीक्वेंस में होगा, या क्या हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ओके okay. लेट्स मूव टू द थर्ड वन, ओ सॉरी द फोर्थ वन। इसमें क्या है, आई नीड द आंसर ऑफ द फोर्थ वन फ्रॉम यू पीपल फर्स्ट। हाँ जी, इसमें तो है ही, ई तक है, तो हाउ यू पीपल कैन गिव डी बी ए सी। जो हमें सेंट स्टेटमेंट है वो ये वाली है, फिफ्थ की फोर्थ की, द स्टडी ऑथर्स रिकमेंडेड दैट, और इसमें ए बी सी डी ई मतलब ई तक है हमारे पास सेंटेंसेस इसमें। तो द सीक्वेंस क्या होगा उसका, जिसने किया है प्लीज गिव मी द आंसर। ओ सॉरी, ई आप लोगों को शो नहीं हुआ, दैट वॉज रियली माई मिस्टेक आई वुड से। फाइन, नो डाउट वी विल हैव वन यू कैन से एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हमारे पास था द स्टडी ऑथर्स रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट टेकिंग एंटी परसिस्टेंट शुड बी केयरफुली मोनिटर्ड क्लोजली। स्टूडेंट्स स्टडी ऑथर्स रिकमेंड दैट द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट टेकिंग एंटी persistence should be carefully monitored closely and permanently. However, prohibits the study of the children anti-persistence. ठीक है, हमें कुछ नहीं समझ आया कि ये बता तो रहा है कि ऐसे ऐसे स्टडी ऑथर रिकमेंड करते हैं। द ट्रू इफेक्टिवनेस एंड द रिस्क ऑफ द सीरियस हार्म्स इज फाउंड इन द बॉर्डर्स ऑफ अ एमेजोन सच एज सुसाइडल थॉट्स रिमेन अनक्लियर बिकॉज ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल्स and the selective reporting findings in the published trials and clinical study report. It is therefore recommended a child could self reapproach starting with the low dose and build up gradually with to prevent the side effects. A major review of anti persistence
हैज फाउंड दैट दे आर लार्जली इनफेक्टिव एंड मे इवन बी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन एंड द टीन्स डिप्रेशन इन अमेजोन। अब यहाँ पे क्या है, एंटी प्रसिस्टेंट की बात 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 हो रही है, बट यहाँ पे उसने बताया है कि ये लीड जा रही है यार, ये देखा गया है कि ये इनइफेक्टिव है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो सेंटेंस है ये फर्स्ट स्टेट पे आएगा, दैट इज अ मेजर रिव्यू ऑफ एंटी परसिस्टेंट हैज फाउंड दैट दे आर लार्जली इनइफेक्टिव एंड इवन बी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन एंड द टीन्स डिप्रेशन इन द अमेजोन। सो ये क्या है, अब उसने बता दिया इनइफेक्टिव। अब इनइफेक्टिव के बाद मतलब उसके बाद उसने उसका ऑपोजिट लिया है, द ट्रू इफेक्टिव एंड द रिस्क ऑफ अ सीरियस हार्म्स इज फाउंड इन द बॉर्डर्स ऑफ अमेजोन। मतलब कि बॉर्डर्स में उसका माना गया है कि इफेक्टिवनेस है, सच एज सुसाइडल थॉट्स रिमेन अनक्लियर बिकॉज ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द सिलेक्टिव रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स इन द पब्लिश ट्रायल्स एंड क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। द स्टडी मतलब ये ट्रू इफेक्टिवनेस बता दी, फिर स्टडी में क्या है, स्टडी ऑथर रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट टेकिंग एंटी परसिस्टेंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड। ये इनफेक्टिव है, इसकी इफेक्टिवनेस ऐसे होती है। उसके बाद उसने बोला है कि स्टडी ऑथर्स ने रिकमेंड किया है ये चीज। फिर ये आएगा, दिस वॉज वाइडली अपोज्ड बाय, ये आपको नहीं लाइन दिख रही थी, दैट वॉज सो सॉरी बाय माई साइड। इसके बाद एक लाइन थी, दिस वॉज वाइडली अपोज्ड बाय मल्टी बिलियन कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी इन्वेंटेड एंटी परसिस्टेंट। मतलब जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने मतलब इसको अपोज किया था वो थी, अ मेजर रिव्यू ऑफ एंटी यू कैन से। फिर इट इज देयरफॉर रिकमेंडेड दैट चाइल्ड कुड सेल्फ री अप्रोच स्टेटिंग विद अ लो डोज एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली विद इन टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट। तो उसके बाद क्या था कि ये अप्रोच लगाई गई कि धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करे और धीरे धीरे इसको बढ़ाए ताकि बॉडी को आदत हो जाए और इसकी इसका साइड इफेक्ट ना हो। सो दिस वॉज द यू कैन से रिव्यू। इज इट क्लियर टू एवरी वन? यस माई डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट the feedback from you right now कि ये वाला आपको sequence of the sentence clear हुआ। Are you finding it interesting and it was according to what you was expecting? Sequence of sentence जैसे आप expect करते थे, क्या ये ऐसे sentences हैं? That's good. Because what we demand for, we should get that. That is the only thing. हमारे पेपर के रेलिवेंसी के हिसाब से होने चाहिए और डिफिकल्टी लेवल उसमें अटेन होना चाहिए. That's the thing. आपकी किसी की रेनू मैम से बात हुई है? What about the classes? Are you going to have offline classes from 6th now? Anybody called ma'am? आपको पता नहीं है कि क्लासेस हैं या नहीं है, या अभी आपकी बात ही नहीं हुई है? यू डोंट नो। ओके, सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैसेज, है ना? बाय मैम। फाइन, चलो, गॉड हैज बेटर प्लान्स। नहीं, मुझे नहीं पता बेटा, गॉड हैज अ बेटर प्लान, जो हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, गॉड विल प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, लेट्स शिफ्ट टू द फिफ्थ वन। सो यहां पे था ही सॉ अ फ्यू स्नेक्स, यही वाला था आपके पास? ओके, यू आर गिविंग मी द आंसर सी ए बी डी, लेट मी सी द आंसर। हां जी, आंसर तो सी ए बी डी बिल्कुल सही है।
अब मुझे ये बताओ किस बच्चे को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए? एनीवन नीड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज करेक्ट, CABD. यस, एवरीवन शुड गिव देयर रिप्लाई सो दैट आई कम टू नोन. हाँ जी, आंसर CABD है. मैं बस ये पूछ रही हूं, कोई बच्चा मेरी क्लास में ऐसा है जिसको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? इजी था. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द आंसर, दैट इज CABD फॉर एवरीवन. लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन. लार्जेस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड, एंड आई नीड द आंसर ऑफ दिस फ्रॉम यू पीपल. नो, रॉन्ग. क्वेश्चन तो अभी मैंने बोला ही नहीं, क्वेश्चन तो मैंने ग्रुप में डाला था, एंड वो था जी फिफ्थ क्वेश्चन था, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन था, टाइडल रेंज वाला, और उसका आंसर है मेरे अकॉर्डिंग DABC. अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो लेट मी एक्सप्लेन इट. आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर एंड इट इज नॉट अकॉर्डिंगली. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है DABC. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल. सो एंड विद द सेकेंड लार्जेस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड, ब्रिटिश मरीन एनर्जी कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस शिफ्ट. इन दिस शिफ्ट, मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट, मेरे लिए ये फर्स्ट पे नहीं हो सकता, बट हार्नेसिंग द पावर ऑफ द टाइड इज नॉट विदाउट कंसिक्वेंस. इन 2013 प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ 34 पाउंड BN बैरेज अक्रॉस द सेवन यू कैन से एस्ट्यूरी वर रिजेक्टेड आफ्टर द कंसर्न्स वर रेस्ड अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन द लोकल सिस्टम. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, बट ये क्या था, कुछ कंसर्न्स आ गए और वो नहीं कर पाए. ठीक है जी, एंड विद दिस फिर मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट पे हो सकता है बिकॉज इंफॉर्मेशन इज देयर. द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू हेल्प काउंटर दिस ग्लोबल ट्रेंड बाय रिड्यूसिंग यूके कार्बन एमिशंस बाय 80% फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2050. सो मेरे अकॉर्डिंग पहले आएगा इन 2013 प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ 34 पाउंड BN बैरेज अक्रॉस द, ये वाला आएगा, एंड विद द सेकेंड लार्जेस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड ब्रिटिश मेराइन एनर्जी कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस शिफ्ट. मतलब इस शिफ्ट में तब रोल प्ले होगा जब क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट टाइडल, बट हार्नेसिंग द पावर ऑफ द टाइड इज नॉट विदाउट कंसिक्वेंस. मतलब जब हम हार्नेस करेंगे, मतलब उनको काटेंगे या उनको जो भी करना है वो किसी ना किसी कंसिक्वेंस के साथ होगा. सो इन टू यू कैन से इन 2013 फिर नहीं, पहले आना चाहिए था गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू हेल्प काउंटर दिस ग्लोबल ट्रेंड बाय रिड्यूसिंग यूके कार्बन एमिशन. अब यहां पे दिस तो आया है, बट उसमें क्या है कि उसने बता दिया क्या, यूके कार्बन एमिशन जो 80% है उसकी बात करी है, और वो कहता है एंड विद द सेकेंड लार्जेस्ट टाइडल, ये क्या है, कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो हमने क्या करना है, हार्नेसिंग इम्पॉर्टेंट है, और 2003 में क्या होगा, ये जो था प्लान इसीलिए रिजेक्ट हुआ था. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? बेटा डी इसलिए पहले आया, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू हेल्प काउंटर दिस ग्लोबल ट्रेंड.
क्या ग्लोबल ट्रेंड? नो डाउट इसमें दिस है, बट क्या है ग्लोबल ट्रेंड? बाय रिड्यूसिंग यूके कार्बन एमिशन. ट्रेंड यही है कि उसने उसका उसका काम है कि जो यूके का कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2050. 80% से डिक्रीज करना है उसको 2050 तक जाते हुए. ये ट्रेंड था और ये दिस लगा के उसने ट्रेंड को एक्सप्लेन कर दिया. सो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस कैन बी ऑन द फर्स्ट. हम ये नहीं कह सकते सीधा सीधा कि जिसमें दिस दैट आ जाए वो सेंटेंस नहीं है. क्या पता दिस के बाद वो बंदा क्या करे, उस चीज को एक्सप्लेन कर दे. अगर वो एक्सप्लेन कर देगा तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पे आएगा. अब तो दिस क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि दिस के बाद उसने ट्रेंड को एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज व्हाई हम लोगों ने क्या करा, इसको ऑप्ट किया, बिकॉज वो ट्रेंड एक्सप्लेन करके आगे उसी की एक्सप्लेनेशन है पूरे पूरे यू कैन से इन ऑल अदर सेंटेंसेस. सो क्लियर विद द सिक्स्थ क्वेश्चन एवरीवन? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या क्लियर है आपको सिक्स्थ वन? शैल आई शिफ्ट टू द सेवेंथ वन? ओके. हाँ जी, इसका आंसर बताओ आप लोगों के अकॉर्डिंग. आंसर है BDCA. इसका आंसर है BDCA. अब मैं एक्सप्लेन करती हूं कैसे. सेवेंथ वन है चाइल्ड वाला, ये वाला है. सो दो वी मे प्री डिस्पोज टू बीइंग एबल. सो दो वी मे प्री डिस्पोज टू बीइंग एबल टू रीड एंड यूजली हैव द एबिलिटीज नेसेसरी टू मास्टर रीडिंग, इट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस ओनली अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्ट हेल्प ऑफ अदर्स. यही है आप लोगों के पास, सबके पास. चलो ठीक है जी, कॉन्फर्मेशन मिल गई है. लेट मी स्टार्ट नाउ. सो दो वी मे बी प्री डिस्पोज टू बीइंग एबल टू रीड एंड यूजली हैव एबिलिटीज नेसेसरी टू मास्टर रीडिंग, इट इज समथिंग द मोस्ट ऑफ अस ओनली अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्ट हेल्प ऑफ अदर्स. Human appear to be the only species that is able to translate their communication into an other medium, and in this case, the medium provides a semi-durable record of the elements of the communication. Reading also is special because, unlike language, most children have to be taught to read, write, and spell. So, reading is a very special ability that we have. Human appears to be the only species able to translate their communication into another medium. कहते एक इंसान ही ऐसा है जो वो बोलता है उसको किसी और मीडियम में भी ट्रांसलेट कर सकता है. एंड इन दिस केस
द मीडियम प्रोवाइड्स अ सेमी ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इसीलिए जो मीडियम है वो प्रोवाइड करता है सेमी ड्यूरेबल रिकॉर्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो रीडिंग इज वेरी स्पेशल एबिलिटी डैट वी हैव। ह्यूमन कैसे अपनी चीजों को ट्रांसलेट करता है, वो रीडिंग भी कर सकता है ना, वो लिख के उसको पढ़ सकता है। सो दिस इज द मीडियम। तो रीडिंग की बात आई तो फिर हमने कहा रीडिंग इज ऑल्सो स्पेशल बिकॉज अनलाइक लैंग्वेज मोस्ट चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट टू रीड राइट एंड स्पेल। रीडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों बच्चों को सिखाते हैं रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग। सो दो वी मे बी प्री डिस्पोज टू बींग एबल टू रीड एंड यूजली हैव द एबिलिटीज नेसेसरी टू मास्टर रीडिंग, इट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस ओनली अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्ट हेल्प ऑफ अदर्स। मतलब उसके साथ हम बोलते हैं या करते हैं फिर ही हम लिखते हैं। क्लियर? हाँ जी मेरे बच्चों, क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, सो आई हैव डन द सेवेंथ वन ऑल्सो विद यू। लेट्स मूव टू द एट्थ वन नाउ एंड आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर द एट्थ वन। बिल्कुल ठीक है आंसर, सी ए डी बी, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, लेट्स मूव टू द नाइन्थ वन। ऑफ कोर्स मोस्ट पीपल आर वेल एनफ टू अटेंड, आई नीड द आंसर ऑफ दिस। CAEBD answer is CAEBD for the ninth one. Answer is CAEBD. Of course, most people are well enough to attend to their work. यही है आप लोगों के पास? हाँ जी बताओ, यही है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल। ऑफ कोर्स मोस्ट पीपल आर वेल एनफ टू अटेंड टू देयर वर्क,
बट नियरली ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सम इल मेंटल और फिजिकल एक्यूट और क्रोनिक. वी आर लूजिंग एवरी ईयर अ वास्ट आर्मी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन देयर प्रोडक्टिव प्राइम. इट इज नेचुरली टू बी हेल्दी बट वी हैव वंडर्ड सो फार एस्ट्रे दैट डिसीज इज फुल डिसीज इज द रूल एंड गुड हेल्थ द एक्सेप्शन. The average individual is of less value to himself, to his family and society than he could be. मतलब उसकी अपनी हेल्प अपनी अपने अपनी वैल्यू नहीं है. उसकी वैल्यू उसकी फैमिली के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए. There is too much illness, too much suffering. कहते it is natural. मतलब ये natural है कि बंदा healthy रहे, है ना? But we have wondered so far. I'm sorry. But we have wandered so far astray that disease is the rule. मतलब बीमारी आनी आनी है. And good health the exception. Good health होना बड़ी बड़ी मतलब ये है limitation है. Of course, most people are well enough to attend to their work, but nearly all are suffering from. कहते हर कोई अपने काम तो कर रहा है, सारे ही कर रहे हैं. बट उन वो कुछ ना कुछ बीमारी से जरूर हैं, सफर कर रहे हैं. बट नियरली ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सम इल मेंटल और फिजिकल एक्यूट और क्रोनिक. देयर इज टू मच इलनेस एंड टू मच सफरिंग. बहुत ज्यादा इलनेस है और बहुत ज्यादा सफरिंग्स हैं. वी आर लूजिंग एवरी ईयर अ वास्ट आर्मी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन देयर प्रोडक्टिव प्राइम. मतलब हम लूज कर रहे हैं जो कि मतलब प्रोडक्टिव प्राइम, मतलब जो कि पूरा काम कर रहे होते हैं. द एवरेज इंडिविजुअल इज ऑफ लेस वैल्यू टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली एंड द सोसाइटी दैट ही कुड बी. मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सोसाइटी के लिए है रादर देन अपने लिए. क्लियर? हां जी स्टूडेंट्स, की ये क्लियर हो गया था सारिया नु? क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है. बिकॉज देखो कोई असाइनमेंट है, अगर उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं तो वो नन ऑफ यूज है, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं हुआ. और जिन बच्चों ने वो होमवर्क किया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि उनको ये चीजें क्लियर हों. इसका आंसर है जी सी ए ई बी डी. सी ए ई बी डी. सी ए ई बी डी. क्लियर? सी ए ई बी डी. ओके, लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन. अब है शी डिड हाउएवर वाला. हाँ जी रेस्ट, सब लोग बताओ. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है सी ए डी बी. अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज सी ए डी बी. And I'm going to explain it because many of the students are giving me the wrong answer. She did, however, leave a long trail of interviews and letters that reveal how she approached her painting practice and the ritual experiences and the environments that inspired her. ठीक है जी, तो इसमें क्या है, कोई भी information मुझे clear नहीं हुई.
टू एक्सचेंज 25,000 पेजेस ऑफ लेटर्स बिटवीन 1915 एंड द 1946 ड्यूरिंग विच टाइम शी फाउंड हर वॉइस एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट दो हर फ्लावर पेंटिंग्स एंड लेटर थ्रू द लैंडस्केप्स एंड द सररियलिस्टिक स्टिल लाइफ इंस्पायर्ड बाय हर माउंटेन स्कल स्टडेड सराउंडिंग्स इन द न्यू मैक्सिको O'Keeffe never formally recorded her theories is about art. अब यहाँ पे O'Keeffe है ना, मतलब किसी का नाम दे दिया उसने, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कहीं किसी का नाम होता है, मतलब अभी तक नेम नहीं आया है और यहाँ पे एक नाम है और वो है भी नाउन की जगह पे, तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। O'Keeffe never formally recorded her theories about art, उसने कभी रिकॉर्ड नहीं करी। सो सी जो है उसके बाद आ गया। O'Keeffe का प्रोनाउन है हर, है ना, हर से मुझे पता चल रहा है वो लड़की है, तो उसके लिए प्रोनाउन आ गया शी। शी डिड हाउ एवर लीव अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ इंटरव्यूज एंड लेटर्स दैट रिवील हाउ शी अप्रोच्ड हर पेंटिंग प्रैक्टिस। मतलब उसने कभी कोई मतलब थ्योरी वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी अब उसकी अपनी आर्ट की, बट हाँ मतलब बहुत सारी इंटरव्यूज वगैरह लेटर्स वगैरह उसने रिवील जरूर करी हैं अपनी पेंटिंग प्रैक्टिस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में जो उसको इंस्पायर करी। कॉरेस्पॉन्डेंस विद हर हस्बैंड फोटोग्राफर एल्फर्ड दिस इन पर्टिकुलर ऑफर्स अ रॉ ऑनेस्ट ग्लिम्प्स इनटू O'Keeffe क्रिएटिव माइंड, है ना। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस विद हर हस्बैंड, उसने मतलब उसके साथ उसकी फोटोज हैं। द टू एक्सचेंज 25,000, मतलब ये दोनों वो और उसका हस्बैंड, मतलब 25,000 पेजेस ऑफ लेटर्स बिटवीन 1915 एंड 1946 ड्यूरिंग विच टाइम शी फाउंड हर वॉइस एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट दो हर फ्लावर पेंटिंग्स एंड लेटर थ्रू लैंडस्केप्स एंड सन रियलिस्टिक स्टिल फ्लाइज इंस्पायर्ड बाय हर माउंटेन स्कल स्टडेड सराउंडिंग्स इन द न्यू मैक्सिको। उस टाइम उन्होंने करी है जब उनको लगा था उसको कि मेरी वॉइस भी बहुत अच्छी है मेरी ड्रॉइंग के साथ साथ, तब उन्होंने इतनी लेटर्स आपस में शेयर करी। इज इट क्लियर? दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस दैट आई कैन गिव यू। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत कॉम्प्लेक्स थे जिन्होंने कर लिए हैं, और जिन्होंने समझ लिए हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल रहेगी, एक लेसन रहेगा हाउ टू सॉल्व सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस इन योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, ओके। मेरे आज का जो क्लास था उसका नाम भी यही था, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एंड फॉरेन वर्ड्स। नाउ मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ फॉरेन वर्ड्स आपको करवाती हूँ, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉरेन वर्ड। सो लेट्स डू सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम देयर। आर यू एबल टू सी अ स्लाइड ऑन योर स्क्रीन? Yes, my dear students, आप लोगों को दिख रही है? Okay. Thank you. So the first word I am having is a la mode. What is the meaning of this word? The meaning of this word is in the fashion. जो चीज fashion में होती है, trend में होती है, उसके लिए फॉरेन वर्ड यू यूज किया जाता है, दैट इज आला मोड। सो आई वॉन्ट यू पीपल राइट नाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस फॉरेन वर्ड। यस स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी नाइस English word a la mode.
यस फाइन लेदर जैकेट्स आर नॉट आला मोड नाउ डेज वेयरिंग श्रग्स ओवर द टॉप्स आर इन आला मोड माई ड्रेस इज इन आला मोड यस माई ड्रेस इज इन फैशन ओके द नेक्स्ट सेंटेंस इज एल्बिट एंड द सिनोनिम फॉर दिस इज ऑल्दो एल्बिट ऑल्दो हम बोलते ना ऑल्दो इट कैन हैपन बट आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड सो उसके लिए फॉरन वर्ड होता है एल्बिट बिल्कुल सही है प्लाजो इज इन आला मोड दीज डेज सीधा ठीक है नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टू हैव अ काउ बॉय That is a la mode nowadays. Okay, the next word is avant-garde. Avant-garde. What is the meaning of this word is? Avant-garde, pioneer in the movement of art or literature. The thing that is on the topmost is avant-garde. So, you need to learn the meaning of this word. That is avant-garde. That means pioneer in the movement of art or literature. That is on the top mode in the movement of art and literature. Aa rahi hai samajh? Avant-garde बिल्कुल ठीक है Avant-garde means जो चीज सबसे टॉप मोस्ट पे है इन द मूवमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर उन्होंने कह दिया संस्कृत इज Avant-garde ऑफ ऑल द लिटरेचर्स बिल्कुल सही है जो चीज पायनियर का मतलब ही ये होता है जो टॉप मोस्ट पे है आगे समझ बिल्कुल विलियम शेक्सपियर वॉज avant-garde इन फिलोसफी बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप लोगों को इसका मीनिंग याद रहे बिकॉज आपको ऑप्शन में यही आएगा वट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरन वर्ड दिस एंड यू विल बी हैविंग फोर ऑप्शन एंड यू नीड टू क्लिक वन आउट ऑफ दिस गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को समझ आ रहा है ये ओके एब इनिशियो एब इनिशियो व्हाट दैट मींस दिस मींस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी काम से शुरू से हो तो दैट मींस इन फॉरेन वर्ड्स दिस वर्ड इज नोन एज एब इनिशियो मतलब इनिशियो इज समथिंग फ्रॉम द वेरी इनिशियल सो बहुत पहले से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओके माय डियर स्टूडेंट्स एब इनिशियो मींस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओके नेक्स्ट वर्ड इज एड हॉक Arranged for a special purpose. Ad hoc क्या होते हैं हम कहते हैं colleges में ad hoc teachers होते हैं Those teachers who are not permanent, but they are temporary, or they are arranged on the behalf of someone permanent teacher because that permanent teacher is on leave for due to some particular reason. So that is an ad hoc one. So Ad hoc is arranged for a special purpose. Special purpose क्या है हमारी permanent जो है वो इस reason के कारण leave पे गई है और इसलिए हमने ad hoc teacher जो है उसको रखा हुआ है So ad hoc is
अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। गेटिंग माई पॉइंट? यस, एवरीवेयर इट इज, इन द स्कूल्स ऑल्सो इट इज। देर आर सम परमानेंट टीचर्स एंड देर आर सम एड हॉक टीचर्स। सो एड हॉक इज द वन दैट इज ऑन द टेम्पररी बेसिस एंड अरेन्ज फॉर अ स्पेशल पर्पस। ओके, ओ रिवियर, ओ रिवियर अंटिल वी मीट अगेन। मतलब और रिवियर इज तब तक जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। सो दिस इज द फॉरेन वर्ड यूज फॉर दिस, ओ रिवियर। दैट मीन्स बाय ओ रिवियर, बाय तब तक जब तक हम नहीं मिलते दोबारा। सो अंटिल वी मीट अगेन। एड इंटरिम, एड इंटरिम, जब मैं उस चीज को प्रोनाउंस करती हूं तो मेरा, मैं चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी खुद से प्रोनाउंस जरूर करें, सो दैट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑलवेज परफेक्ट रहे। तो जब मैं आपको प्रोनाउंस करती हूं और आप भी साथ साथ वर्ड को प्रोनाउंस करके देख लिया करो, ताकि वो आपकी टंग के ऊपर सूट कर जाए। ठीक है जी। एड इंटरिम दैट मीन्स मीन वाइल, एड इंटरिम मीन वाइल, एड इंटरिम You prepare the dinner. Meanwhile, you prepare the dinner. Sixth को मैं repeat कर देती हूँ. A river, a river, a river. Until we meet again. Alma mater. Alma mater. Mother institution a person attended. मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि उसकी मदर का ही था। जैसे बच्चा जो है वन टू यू कैन से फ्रॉम 0 to 2, 3 इयर्स वो अपनी माँ के पास होता है और वहीं से मॉरल वैल्यूज लेता है, वहीं से लैंग्वेज सीखता है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एवरी चाइल्ड अटेंड्स अल्मा माटेर, दैट मीन्स मदर इंस्टीट्यूशन। एवरी चाइल्ड Up to the age of 3 attends alma mater, mother's institution. ठीक है जी। Okay, next. Ad valorem, that means according to the value. Valorem means according to the value. This is not ad valorem. मतलब ये according to the value नहीं है। आप कोई ड्रेस देख रहे हो that is costing rupees 2000, but you feel like ये 2000 की लगती नहीं है, so then you can use the foreign word that is ad valorem. That means it is not according to the value. Valorem is वॉल्यूम, वैल्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रपोज, दैट मीन्स टू द पॉइंट विद द रेफरेंस टू, जो चीज टू द पॉइंट है। ठीक है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो Alma mater, that is mother institution, a person attended. अगर किसी ने, ये भी हो सकता है कि जो पहला institute है that can be the one, and second thing it can be the one जो उसकी माँ का ही हो। Mother institution ये भी हो सकता है जो उसका पहला institute, that means from where he did pre-primary of his studies, that is alma mater, or it can be उसकी माँ का institute, that means जो उसने इनिशियल इयर्स में अटेंड किया 0 to 3 इयर्स में। मदर इंस्टीट्यूशन अ पर्सन अटेंडेड।
सो देयर कैन बी टू वेज ऑफ दिस वर्ड दैट कैन बी यूज्ड. क्लियर? ओके, आई एम हैविंग सम वर्ड्स, आप उसको क्लिक करो और इनको अब पढ़ना, और अगर नहीं समझ आएंगे कल तक इनके डाउट्स रखना. क्लिक दिस स्लाइड. टेंथ वाला मैं देख देती हूं बच्चे, पहले ये स्लाइड क्लिक कर लो. क्लिक्ड. ओके, आपने इनको पढ़ना है एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क, और जो आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी वी विल बी डिस्कसिंग दैट बाय टुमारो. एंड दिस स्लाइड ऑल्सो मेरे बच्चे, ये स्लाइड भी क्लिक कर लो. कर ली? ये कर ली बेटा, मैं पहली भी शो कर देती हूं. ओके, ये वाली है, ये भी कर लो प्लीज. यस, दीज वर्ड्स आर लाइक स्लैंग वर्ड्स, पर हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाते हैं. एंड दिस एनस मिराबिल्स, दैट मीन्स अ वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट्स टेक प्लेस. अब यहां पे COVID-19 जो था 2020 में हुआ, तो हम इसको ग्रेट ईयर नहीं कह सकते, बट इससे अपोजिट. ठीक है, अगर हम किसी किसी ईयर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आई हो, बहुत लोगों ने प्रोग्रेस किया हो, देन यू कैन यूज द वर्ड एनस मिराबिल्स बिलीज. दैट मींस दिस इज द ईयर व्हिच इज वेरी प्रॉस्पेरस बिकॉज वंडरफुल थिंग्स हैज हैपेंड इन दिस ईयर्स. सो दैट इज द वर्ड यूज फॉर दिस, एनस मिराबिलिस. एनस मिराबिलिस. It was not annus mirabilis for any businessman. 2020 was not annus mirabilis for any businessman. Clear? So how was today's class? Have you felt it like you understood what is being taught to you? नहीं, वो मैंने इंक्लूड नहीं करी है. जो मैंने इंक्लूड करी है वो 3 ही स्लाइड्स हैं. आप यही 3 करो फॉर द टाइम बीइंग. आपको आज का लेसन समझ आया है? आज की क्लास आपको समझ आई है? एंड हैव यू फेल्ट इट गुड, इंटरेस्टिंग? हैव यू लर्न समथिंग इन टुडेज क्लास? ओके okay my dear students, you have 15 to 20 minutes for your dinner, and after that you are going to have your next class. So have your dinner, take care of your health, study hard, all the very best, and good night, sweet dreams. God bless you to all my dear students. Good night ji, take care. We'll catch you tomorrow with some new topics. And अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक आए एंड यू वांट कि मैम ये टॉपिक क्लास में कराएं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. गुड नाइट. गुड नाइट जी.